नमस्कार, आईएनए न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम माहिर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी अहम खबरों का। यूपी के फिरोजाबाद में महिला थाने में तैनात 27 साल की महिला दरोगा प्रीति राय की स्कूटी डिवाइडर से टकरा गई। महिला दरोगा सोमवार को आसफाबाद की तरफ स्कूटी से जा रही थी, तभी शिकोहाबाद की तरफ से आ रही कार से बचने के चक्कर में उनकी स्कूटी डिवाइडर से टकरा गई। दरोगा जमीन पर गिरी और चोटिल हो गई। तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां सूचना पर स्थानीय पुलिस और महिला थाना की पुलिस पहुंच गई। वहां मौके पर कोई स्ट्रेचर खाली नहीं मिला तो महिला थाने की इंस्पेक्टर रंजना गुप्ता ने प्रीति को गोद में उठा लिया और डॉक्टर के पास लेकर गईं। इलाज के बाद प्रीति की हालत ठीक बताई जा रही है। इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर यूजर्स महिला इंस्पेक्टर की तारीफ कर रहे हैं। जनपद फिरोजाबाद से प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। देखिए, 28 जुलाई को मॉर्निंग में महिला थाना में नियुक्त सब इंस्पेक्टर प्रीति राय अपनी स्कूटी से मुख्यालय की तरफ से फिरोजाबाद आ रही थी। उसी दौरान एक कार से उनकी टक्कर हुई, जिसमें उनको चोटें आई। तत्काल महिला थाना प्रभारी मौके पे पहुंच गई। उनके द्वारा ट्रामा सेंटर में उन्हें लाया गया। CUCD भी मौके पे पहुंच गए थे और आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतीक्षा किए हुए महिला थाना प्रभारी रंजना गुप्ता द्वारा उन्हें अपनी गोद में उठा करके हॉस्पिटलाइज कराया गया, जहां पर उनका उपचार किया गया। उसके बाद शाम को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। महिला थाना प्रभारी द्वारा इसमें तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई, जिसके लिए हम लोगों उनकी सराहना करते हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल में स्ट्रेचर उपलब्ध था या नहीं था, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं।